असलकम कैसे हैं आप सब यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से और अभी हम टीवी वी करने लगे थे सेट करने लगे थे वैसे तो ये सारा सेट ही होता है इसका कुछ करने वाला होता है, नहीं है लेकिन ये है कि हमने चूँकि जो टीवी स्टैंड लिया है उसके साथ ही ब्रैकेट लगी हुई है उसके ऊपर लगाना था तो इसलिए हस्बैंड कर रहे थे उसको स्क्रूज लगा रहे थे फिक्स कर रहे थे क्योंकि फिर यही जो इसके पीछे ब्रैकेट्स लगा रहे हैं यही हम टी वी स्टैंड के ऊपर लगा देंगे तो फिर ये होगा कि थोड़ा सिक्योर इसलिए हो जाएगा कि अगर मेरी बच्ची जो है वो उसको फिर पुश करेगी मूव करने की ट्राई करेगी तो वो फिर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो टीवी स्टैंड के साथ अटैच होगा तो फिर वो मूव नहीं होगा इसलिए हमने ये वाला स्टैंड लिया था और ये देखें हमने उसको ऊपर लगा लिया है और अभी बहुत सी वायर्स पड़ी हुई हैं उसको अभी सेट करना था ये देखिए कितनी वायर्स होती हैं इन चीज़ों की और इसको भी सेट करना था और ये देखें जी फाइनली टीवी हमारा चल गया और मेरे बेटे ने फौरन ही कार्टून लगा लिए थे और ये देखें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वॉल दिखाऊंगी कि हमारी कैसी है ये देखें आ, एंट्रेंस के साथ ही मतलब जो हमारा मेन डोर है वहाँ ये हमारा डोर है उसके साथ ये देखें कॉर्नर में तकरीबन एक डेढ़ फुट जितनी जगह है उसके पास फिर दूसरी साइड को इसका कर्व स्टार्ट हो जाता है और फिर ये देखें टी के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर फिर से एक बैंड आ जाता है और फिर यहाँ से थोड़ी सी सीधी दीवार है और उसके साथ भी ये देखें एक साइड पे रेडिएटर्स लगे हुए हैं और थोड़ी सी जगह खाली है जहाँ हम वॉल पे लगाएंगे तो फिर ये होगा कि इस जितनी जगह के सामने जो हमारा सोफा होगा फिर सिर्फ हम वहाँ देख सकते हैं दूसरी साइड पे नहीं दे सकते और फिर विंडो की तरफ भी हम कोई डेकोरेशन की चीज़ नहीं रख सकते तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम वहाँ ही लगाते हैं जहाँ अभी पड़ा हुआ है और ये देखें मैं खोया बनाने लगी थी और उसके लिए मैंने एक कप लिया है मिल्क पाउडर नीडो का और साथ आधा कप मैंने क्रीम ली है लेकिन मेरी क्रीम थोड़ी सी थिक है वो इसलिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा थिक मैं यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा थिक जो डबल क्रीम होती है वो वाली तो इनको मिक्स करना है एक कप नीडो के मिल्क में मिल्क पाउडर में आधा कप फ्रेश क्रीम का अगर हमने किसी वैसी मीठी चीज़ में डालना हो तो इसमें शुगर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रहने देना है तो इसलिए मैं साथ शुगर ऐड कर रही हूँ चार चम्मच में शुगर के डाल रही हूँ और इनको मिक्स करके मैंने सिर्फ ये माइक्रोवेव में बनाना है कोई कुकिंग नहीं करनी कोई कुछ नहीं करना और इसको फिर मैंने एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देना है और अभी मैं ये इसलिए भी बता रही हूँ कि मुझे कल कमेंट आया किसी का कि मैंने आपकी वीडियो पिज़ा देखने के लिए की थी तो आपने तो वो बताया ही नहीं आप और ही बातें करती रही तो उसके लिए सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी मैं ट्राई करूँगी जो चीज़ मैंने कहा है वो मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि फिर बातों बातों में बातो पता नहीं चलता कि कितना वक्त आगे चला जाता है तो उसके लिए माजरत मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि किसी ने आ, कुछ देखने के लिए मेरी वीडियो चेक की लेकिन उसमें वो नहीं मिला जो वो देखना चाहते थे तो उसके लिए माजरत में आइंदा ऐसा नहीं करूँगी इसलिए मैं साथ साथ अभी आपको बता रही हूँ तो वो मैंने माइक्रोवेव में एक मिनट के लिए रखा और उसके बाद मैंने निकाल के थोड़ा सा इसको ये देखिए मिक्स किया और फिर थर्टी सेकेंड के लिए बीट रख दिया और इसको फिर थोड़ा सा मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने फिर माइक्रोवेव में ही रख देना है और इसी तरह हर थर्टी थर्टी सेकेंड बाद निकालना है और चेक करते रहना है और जब तक ये अपना थोड़ा सा जैसे इसमें ऑयल आ जाता है ऊपर जब तक वो ऑयल नहीं छोड़े इसमें बबल्स से नहीं बनने लगे तब तक इसको नहीं निकालना मतलब तब तक ये रेडी नहीं होगा जब ही ये बबल्स छोड़ दे तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी हो गया है तो ये अभी उसने बबल्स छोड़ दिए थे थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया था तो ये जो खोया है ये मेरा रेडी है बिल्कुल अभी मैंने पैन लिया है उसमें मैंने आधा कप डाला है शुगर का एक कप मैंने डाला है नीडो मिल्क का मिल्क पाउडर का वो फिर से और इनको मिक्स करना है अभी मैंने फायर नहीं लगाई नीचे सिर्फ इनको ऐसे ही मिक्स करना है क्योंकि शुगर और जो मिल्क पाउडर है वो अच्छे से मिल्क हो मिक्स हो जाए और फिर इसके बाद मैंने इसको मिक्स करने के बाद एक कप आ, मिल्क डाला है जो लिक्विड होता है वो वाला फ्रेश मिल्क आ, इनको फिर मिक्स करके अच्छे से क्योंकि इनमें गुटलियाँ नहीं बन जाएं तो फिर मैंने आग जलानी है नीचे और फिर इनको साथ साथ चमच हिलाते जाना है इसको रेडी करते जाना है दरअसल मैं बनाने लगी थी मलाई रोल बनाने लगी थी इसलिए मैंने अलग से वो वाला खोया बनाया है क्योंकि चूल्हे के ऊपर जो खोया बनाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो इतना टाइम मेरे पास नहीं था आ, क्योंकि ये मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा रही खैर अभी आप ये देखें मैंने आधा कप क्रीम ली है इसमें भी मैंने वही क्रीम डाली है एक्स्ट्रा थिक जो डबल क्रीम है क्योंकि मैं वही यूज़ करती हूँ और इनको फिर मिक्स करना है और साथ साथ इनको रेडी करते जाना है और ये देखें इतनी थिक जब ये हो गई थी तब मैंने इसको उतार लिया था ये भी एक तरह का खोया ही है अगर इसको भी हम पकाते जाएंगे तो ये वैसे ही रेडी हो जाएगा जैसे खोया होता है लेकिन मैंने जो खोया है वो माइक्रोवेव में बनाया था और ये जो लिक्विड वाला है इसको मैंने पैन में बना लिया था और अभी मैंने ब्रेड ली है उसके मैंने जो साइड्स थी वो उतार ली हैं और इनको रोल कर लेना है रोल करने के बाद फिर जो मैंने खोया लिया था बनाया था उसको इसमें लगाना है ये देखिए मैंने वैसे कोई चीज़ नहीं ऐड की क्योंकि मुझे ज़्यादा नट्स वग़ैरह नहीं पसंद तो इसलिए मैंने सिर्फ़ इसको खोए को वैसे ही डाला है सिंपल सा ही और इनको फिर रोल कर लेना है और सबको फिर जितने मुझे चाहिए थे मैंने रोल करके ये देखिए इस बर्तन में मैंने डाल लिया है इनको और फिर इसके ऊपर जो आ, मैंने और बना बनाया था इसके लिए इसमें डालने वाला ये देखें वो मैंने डाल लिया है और ऊपर कुछ मैंने पीसे हुए जो थे बादाम और आ, पिस्ता वगैरह उनको डाल लिया है और साथ मेरे पास ये देखें स्ट्रॉबेरी सिरप था इसको मैं ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा तो ये फैल गया था तो फिर मैंने इसको सीधा ही कर लिया था तो ये मेरा जो है आ, मलाई रोल ये बिल्कुल रेडी है आ, बहुत ही मज़े के बहुत जमी थे और इसलिए मैं आपके साथ ये दोबारा सब कुछ बता रही हूँ अच्छे से क्योंकि अगर कोई नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो में कोई इस हिसाब से देखने आए कि मैंने टाइटल क्या दिया है और वो क्या देखना चाहता है तो उसके लिए उसको कोई परेशानी नहीं हो और मैं एक बार फिर माजर चाहती हूँ कि मैंने जो लिखा वो नहीं किया और ये देखें अमेज़न से फिर मेरी दो तीन डिलीवरीज़ आई थी और एक पिज़्ज़ा कटर था और एक ये देखें ब्रश थे ग्रीस करने के लिए तो ये भी काफ़ी अच्छे थे ब्रश फिर से मल्टी कलर में आ गए हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं ये और आज हमने एक गार्डनिंग की लेकिन ये मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा रही थी क्योंकि गार्डनिंग हमने सबसे पहले की थी और बाकी काम बाद में किए थे अब ये देखें बहुत ही ग्रास थी बहुत ख़राब हुआ पड़ा था हमारा गार्डन वो इसलिए भी एक तो जब सर्दी पहले होती थी तो सर्दी में बाहर निकलने को दिल नहीं करता और जब से फिर मौसम ठीक हुआ तो फिर हम पाकिस्तान चले गए उसके बाद जब आए तो फिर ये लॉकडाउन का सिस्टम शुरू हो गया और उसके बीच ये हुआ कि जो गार्डन वाली बिन होती है उसको लेने के लिए वो नहीं आते लोग तो फिर ये है कि अगर वो फुल हो जाए तो फिर हम कहाँ उसको छोड़ेंगे वो लेने नहीं आते तो फिर उसकी स्मेल आ जाएगी बहुत ज़्यादा तो इसलिए हम गार्डनिंग नहीं कर रहे थे कि इतना हमने ये जो ग्रास होगा और इसमें कुछ चीज़ें होंगी तो फिर हम उसको कहाँ फेंकेंगे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था तो फिर हमने सोचा चलें कुछ भी करेंगे लेकिन इसको अभी हमने गार्डन को साफ करना है इसलिए ये काफ़ी लेट हो गया और वैसे भी इस बार कोई फ्लावर्स नहीं है गार्डन सेंटर सारे बंद हैं किसी आम जो लोकल स्टोर होते हैं उन पर भी कोई फ्लावर्स नहीं है तो वहाँ भी कुछ नहीं लगा सकते थे हम तो बिल्कुल बस वैसे ही ये है कि सिंपल सी सफाई कर लिया है ग्रास कट कर लिया है और आ, ये हमारी जो टाइल्स हैं इनमें काफ़ी कुछ आ, खुद ही आ जाता है ग्रो हो जाते हैं आ, तो उनको भी हमने फिर निकाला ब्रश वगैरह किया सब कुछ किया और इसी तरह फिर हमने साफ़ कर लिया तो बस ये है कि अगर ऐसे ही ना भी फ्लावर्स वगैरह हों तो साफ सुथरा कर लें गार्डन को तो भी बहुत खूबसूरत लगता है बहुत प्यारा लगता है देखने में क्योंकि जब समर हो तो फिर बाहर बैठना हो तो फिर अगर साफ़ सुथरी चीज़ हो तो फिर ही बैठने को दिल करता है अगर नहीं हो तो फिर बैठ तो जाते हैं लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो साफ़ सुथरे माहौल में आता है ये देखें अभी पीछे इतना गंद था ये वाला भी अभी लेकिन इसमें से हमने सारा नहीं अभी किया थोड़ा हो गया है ये देखें यहाँ से भी हमने सारा किया क्योंकि यहाँ फ्लावर्स थे लेकिन अभी तो कोई नहीं है कहीं को एक आध इसमें बच गया था वो सीजनल था शायद और बाकी सीजनल नहीं थे तो ये सारा बाकी खाली है लेकिन हमने फिर भी इसको साफ़ कर दिया और ग्रास कट कर दी और बिल्कुल जो एंड वाले शेड हैं उनके पास से सामने थोड़ा सा साफ किया है और बाकी नहीं किया तो बस यही हमने किया था इतनी क्लिनिक की तो सारा दिन गुज़र गया बस यही था मेरा आज का व्लॉग आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़